हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जहां प्रदेश में स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला जिले में ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, जहां प्रदेश स्तर से फैसला लिया जाता था स्कूल खोलने का, वही इस बार कोरोना के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा जिले स्तर से। साथ में दोस्तों, एक नए फॉर्मूले के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, इस वीडियो में आ जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम खबर को विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों, आज 11 जून हो चुका है और स्कूल खुलने का समय आ गया है। तो उसी से रिलेटेड ये जानकारी निकल करके आ रही है। जहां कोरोना संक्रमण के चलते बीते एक साल से बंद चल रहे स्कूल नए सत्र से खुलेंगे या फिर बंद रहेंगे, इसका फैसला जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसकी वजह से अलग अलग जिलों में कोरोना की अलग अलग स्थिति है, इसलिए जिलों के स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू किया गया। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि अभी कम से कम 2 माह है और स्कूल खोलना संभव नहीं है। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोलने को लेकर के अभिभावक, शिक्षक और बच्चों से 12 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों के आधार पर ही मंत्री समूह स्कूल खोलने को लेकर के अपनी राय सरकार को देंगे। वहीं दरअसल कोरोना महामारी दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की चेतावनी स्वास्थ्य संगठन एवं वैज्ञानिकों ने दी है। इस तीसरी लहर में बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से सरकार द्वारा इस तरह की कवायद की जा रही है। इस साल अलग ही तरह की सरकार ने 15 जून को ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करने का तय कर लिया है। माना जा रहा है कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू होने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे, जिसका फैसला जिला स्तर पर ही लिया जाएगा। वहीं विभाग का कहना है कि पहले स्कूल खोलने को लेकर के राज्य स्तर पर निर्णय होते थे, अब कोरोना संक्रमण के हालात, जिले और स्कूल में मौजूदा संसाधन के आधार पर निर्णय लिए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके आधार पर कलेक्टर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को देने की तैयारी की जा रही है। कमेटी ने से कहा गया जाएगा कि वह अपने वहां के शिक्षा विद्या एक्सपर्ट और स्कूल संचालकों से चर्चा करके फैसला ले। और यह बात अलग है कि अब इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, फॉर्मूला पर किया जा रहा है काम, तो इस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, इसी के तहत स्कूल खोले जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, जैसा कि दिया गया है, स्कूल खोलने के लिए सरकार स्तर पर फॉर्मूला तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत जहां न्यूनतम 50% लोगों को पहले वैक्सीन लगी हो और संक्रमण दर न्यूनतम स्तर पर होगी, वहां स्कूल खोलने पर पहले विचार किया जाएगा। इसके लिए संक्रमण दर के साथ स्कूल के साथ छोटे बच्चे, माता पिता, वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। स्कूल खोलने से पहले शिक्षक और निजी स्कूलों के संचालकों से उनकी तैयारी की जानकारी ली जाएगी। इसमें भी पहले 12वीं और 10वीं की कक्षा प्रारंभ की जाएंगी, इसके बाद 9वीं और 11वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी, इसके बाद 6वीं से 8वीं और सबसे अंत में 1ली से 5वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले पर स्कूल खोले जाएंगे। तो इस पर अभी 11-12 तारीख को निर्णय आने वाला है और उसी के साथ स्कूलों का खुलना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इससे पहले ही का जो आदेश है, उसमें 50% स्टाफ उपस्थित होने का भी दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही शिक्षा विभाग से लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।